मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि खास करके मेरे खास मित्र आसिफ भामला जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि भामला फाउंडेशन के माध्यम से हर साल एनवायरनमेंटल अवेयरनेस स्प्रेड करने के, पर्यावरण की रक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के, आसिफ भामला जी, उनके परिवार के सदस्य, फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी हर साल बहुत ही अच्छे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, खास करके मुंबई के युवाओं को एनवायरनमेंटल अवेयरनेस, एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट के की ओर आकर्षित करने के लिए। और मैं इनका केंद्र सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो विजेता हैं, खास करके मैं विजेताओं को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वे अपने अपने क्षेत्र में, इन द स्मॉल प्रोफेशंस, वेदर दे आर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, दे आर एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट, दे आर ऑल डूइंग देयर बेस्ट टू मेक एन इम्पैक्ट। एंड आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर इन आवर सोसाइटी। हवा आने दे, ये जो सॉन्ग है बहुत ही हिट हुआ है, हमको बहुत ही पसंद आया है। हमारे एनवायरनमेंट में आज ऐसा टाइम आ गया है कि हवा आने की बहुत ही जरूरत है, तो इस सॉन्ग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और आपने देखा होगा डेफिनेटली, कभी कभी राजनीतिक हवा के बारे में बात करते हैं लेकिन मैं ये कहूँगा कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एनवायरनमेंट जो है, देखिए ये एनवायरनमेंट एक ऐसे मुद्दा है हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, जिस पर हमें राजनीतिक दल के आधार पर या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। द एनवायरनमेंट इज़ अबव पॉलिटिक्स, द एनवायरनमेंट इज़ अबव पॉलिटिकल पार्टीज। और इस इशू को लेकर मैं मानता हूँ कि सभी राजनीतिक दलों को, सभी राजनेताओं को साथ में आकर हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को हम मजबूत किस तरह से कर सकते, उस पर हमें साथ में आकर काम करना चाहिए। आपसे एक आखिरी क्वेश्चन जाना चाहिए, जिस तरह से आज आसाम में NRC लिस्ट जारी हुआ है, इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।